हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो धोगी उसकी। आप कहाँ थे? मैं रात से आपको ढूंढ रही हूँ। हाँ, मैं जरा देर से आया था। लग रही कि कोई वजह है मेरे पास। एनीवेज, कोई क्लू मिला? अभी तक कुछ नहीं। वैसे पायल, मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह तैयार होके किसी के सामने शोपीस बन के जाना। वैसे पायल, तुम भी तो अच्छी तैयार हुई हो, तुम उनके सामने चली जाओ। अच्छा, मेरी जान छूटेगी, तुम्हें पसंद कर लेंगे। इतनी तो अच्छी लग रही हो। Who can miss you? Miss तो बहुत लोगों ने किया है, पर तुम्हारी ना, तुम्हारी I'm sure love marriage होगी। Impossible. Why? लगी शायद। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरा कोई अफेयर चल रहा हो। मेरी नाक बहुत तेज है, दूर से खुशबू सूंघ लेती हूँ। निदा, बेटा अली कहाँ रह गया? उसे फोन करो, वो लोग आने वाले हैं। मुझे क्या पता अली भाई का। अरे तो फोन करो ना उसे। और पायल बेटा, देखो हम बड़े रिवायती लोग हैं, जब लड़के वाले आए तो बेहतर होगा अगर तुम सामने ना आओ। जी आंटी, आप फिक्र नहीं करें, मैं बाहर नहीं आऊंगी। जी तीरा। वैसे ये रिवायती पसंद लोग भी ना बहुत अजीब होते हैं, बिल्कुल तरबूज की तरह, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, समझ में ही नहीं आता। एक मिनट, अली भाई को फोन कर, पता नहीं कहाँ रह गए, बड़े अजीब। हेलो अली भाई, कहाँ है यार, हद हो गई है, अम्मी इतना नाराज हो रही है। क्या आप थाने में क्या करें? ओके बाय। लो जी, ये तो तुम्हारे सिलसिले में थाने बैठे। लेकिन उनको तो यहाँ होना चाहिए था ना। हाय, कोई बात नहीं पायल, तुम भी तो इम्पोर्टेंट हो। वैसे भी ये रिश्ते वाले तो लाइट की तरह आते जाते रहे। पायल के पेपर्स मिले? नहीं यार, वो लोग कब गए? थोड़ी देर पहले। तो नाराज तो नहीं हूँ मैं, पर पहुंचा नहीं। अरे यार, मैं क्यों नाराज होंगी, लेकिन हाँ, अम्मी का टेम्परेचर थर्मामीटर से निकल के ब्लास्ट हो चुका है। आता है मुझे, पायल उनके सामने गई थी? नहीं, अम्मी ने साफ मना कर दिया। यार अम्मी क्या करती हैं? पायल कमरे में। Anyways, यहाँ कोई मंदिर है? मंदिर? मंदिर जाके क्या करना तुमने? माथा टेकना है। जी, कहाँ थे आप? मैं इंतजार कर रही थी। क्यों? मुझे प्लीज होटल छोड़ा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। मैं एक लड़की हूँ, आपके घर में रह रही हूँ, आपने क्यों रखा है मुझे? तुमने अम्मी की किसी बात का बुरा मनाया? नहीं, अम्मी जो समझ रही है ठीक समझ रही है। आई थिंक मैं आपके घर का एनवायरनमेंट खराब कर रही हूँ। पायल, पायल, तुम इस घर के लिए बहुत खास हो। देखिए, आज आप अपनी बहन के रिश्ते में भी नहीं आए, मेरे काम से गए हुए थे। पायल, तुमने तो इस घर में आके खूबसूरत से ख्वाब दिखाए हैं। कौन से ख्वाब? सही कहता था वो नुमान, में मनहूस। मैं मानता हूं कि इस वक्त मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो कहता है कि तुम्हारी खातिर कुछ भी कर जाना चाहिए। मिस्टर अली, यू आर अ नाइस गाय।
थिंक मैं इस घर में दीवारें खड़ी कर रही हूँ। आई एम अ पेइंग गेस्ट, यही कहा था ना आपने मुझे, ये कहकर लाए थे ना, तो अब मुझे जाने दे। कहाँ जाओगे? बाहर सड़क पे? कहीं भी। कहीं भी? तुम्हारे पास ना पैसे हैं ना आईडी है। यही मजबूरी है, स्टक हो गई हूँ मैं। भाई प्लीज स्टॉप इट। अगर अम्मी की कोई बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा कि तुम यहां से किसी होटल में चले जाओ। तुम इस घर का हिस्सा हो। और हाँ, ये लो फोन, नेशनल डायलिंग कर सकती हो तुम इसे, और साथ कुछ कैश है। प्लीज खुद को हेल्पलेस समझना छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। तुम किराए पर घर लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। जी? चूंकि कुछ गैर तुम्हारे अपने हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें अपनों की जरूरत नहीं रही अब। मम्मी सुन लेगी तो क्या सोचेगी? अच्छा, उसकी परवाह है तुम्हें, लेकिन इस घर की इज्जत का कोई एहसास नहीं। मैंने ऐसा क्या कर दिया मम्मी कि आपको इज्जत का खौफ हो गया? अपनी माँ और बहन को भूल चुके हो तुम एक लड़की के चक्कर में। इससे बढ़कर इज्जत खोने के लिए और क्या रह गया? अचानक हो क्या गया है आपको? तुम्हारे लिए वो लड़की अहम होगी, लेकिन मेरे लिए निदा और मेरे घर की रिवायात ज्यादा अहम है। या फिर मैं मर जाऊं ना तो अली जो तुम्हारे दिल में आएगा ना तुम करते रहे। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब आप कह रही हैं। उसे मजबूर और बेसहारा समझ के कुछ दिनों के लिए सब्र कर लें। एक दो दिन तक उसे लेकर कहीं चले जाओ, वरना मैं निदा को लेकर किसी ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां हमारी इज्जत बची। यार अम्मी बिना ओए गुस्से में है, ठीक हो जाएंगी। मैं बात करूं। तुम बात करो। आते हैं अम्मी को मनाना। अभी यहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं फिर यार, कसम से। आई नौकरी चाहिए, हर सूरत का मतलब समझते हो तुम? जी सर, लेकिन सर वो लेकिन क्या, तुम्हारी इसी लेकिन से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो गया है। अगर किसी मरहले पर एम्बेसी इन्वॉल्व हो गई तो जानते हो किस कदर बदनामी है हमारी। जी सर समझ रहा हूँ सर। तुम लोगों की गफलत के बगैर ये वारदातें हो ही नहीं सकती, सब जानते हो तुम लोग। सर ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, सफाई है मत दो मुझे, जमीन खो दो या आसमान पे जाओ, हर सूरत में मुझे वो पेपर चाहिए। राइट सर। हर एक घंटे बाद मुझे छापे की रिपोर्ट। ठीक है सर। तुम्हें पता है मुझे मुसलसल ऊपर से फोन आ रहे हैं, अगर इस केस में दोबारा कोई फोन आया तो सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें मैं। राइट सर। आंटी मुझे आपसे बात करनी है। आप परेशान हैं? जैसी भी हो परेशानी झेलनी तो इंसान को खुद ही पड़ती है। मैं जानती हूं आपके घर में मेरी वजह से बहुत टेंशन है, कि मैं इस लम्हे मजबूर ना होती तो कब की चली गई होती। मुझे तुमसे नहीं, शिकायत तो अपने बेटे से। उसकी वजह भी मैं हूं।
आप मेरा यकीन करें, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझसे ज्यादा रिश्ते टूटने का एहसास और किसको हो सकता है? हम बहुत रिवायती लोग हैं पायल, या कम से कम मैं जरूर। ऐसे लोग बहुत खौफजदा रहते हैं और डरे भी रहते हैं। इसी तरह मैं भी डरी हुई हूँ। मैं खुद बहुत ट्रेडिशनल हूँ आंटी, बेशक मैं वहाँ पली बड़ी हूँ, लेकिन मामा ने सब हालात के बावजूद मुझे मेरी रिवायात से दूर नहीं रखा। अपनी जुबान वहाँ की जुबान से पहले सिखाई। अच्छा, फिर तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होंगे मेरे ख्वाब। जी मालूम है, बावजूद इसके कि मेरे डैडी ने मेरी मॉम को मेरे पैदा होते ही छोड़ दिया, कभी कोई वजह भी नहीं बताई, फिर भी मैं यहाँ अपने माजी से जुड़ने आई हूँ, कटने और काटने नहीं। अली तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। अंधी मोहब्बत। मैं उनकी ये गलत फहमी दूर कर दूंगी, अब बस मुझे एक दो दिन यहाँ और रहने दे। जैसे ही मॉम पैसे भेजेगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अली बहुत जज्बाती लड़का है, अगर तुम उसके साथ चल ना सको तो कम से कम उसे बता जरूर देना, ऐसा ना हो तुम्हें रास्ता समझकर साथ साथ चलता रहे। यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। सेम है। वैसे मैं उन चोरों का क्या करूंगी, मुझे तो मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। जब वो लोग मिल गए हैं, उन्होंने कन्फेस कर लिया, तो चीजें भी मिली जाएंगी। थैंक गॉड, कोई तो होप नजर आएगी, वरना मुझे लग रहा था मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगी। समझ नहीं आ रहा आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। सच पूछो तो मैं दिल से चाह रहा था कि चीजें कभी ना मिले। आई नो, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा पासपोर्ट मिलने में, मुझसे तो यहाँ एक मिनट भी नहीं रहा जा रहा। क्या हो गया, इतना तंग आ गई हम लोगों से? नहीं, बस और तंग नहीं करना चाहती, इवन नॉट फॉर अ मिनट। अब डन है ना? आई एम सॉरी पायल, अम्मी की वजह से तुम्हें। अरे नहीं, अम्मी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपकी गलती है, आप उठा के एक लड़की को घर ले गए। तो क्या करता तुम्हें, सड़क पे रोता हुआ छोड़ देता? So what? सड़क पर तो और भी लोग रो रहे हैं, भी रो लेती और चुप हो जाती। हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मानकर जिंदगी के फैसले कर लेना, इट्स नॉट राइट। गलतफहमी। हाँ, गलतफहमी। Anyways, यहाँ कोई मंदिर है? मंदिर? मंदिर जाके क्या करना तुमने? माथा टेकना है। What? तुम हिंदू हो? मुझे भी मत डराओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम अम्मी को हॉस्पिटल लेके पहुंचो, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। कुछ नहीं है। तो क्या अब मैं इंसान नहीं? ऐसा नहीं है। Why were you shocked then? कुछ नहीं, बस ऐसे ही था। ऐसे नहीं, स्टॉप द कार।
क्या हुआ? मुझे उतार दे। मगर क्यों? क्यों? आप क्यों शॉक हुए? मुझे फील करवाया कि जैसे मैं घन का ढेर हूँ और आप पर फेंक दिया गया। आहिल, कैसी बातें कर रही हो तुम? Then justify your shock. मैं हिंदू हूँ, मगर मैं चोर नहीं, किसी को लूटती नहीं। मैं हिंदू हूँ, मगर किसी की इज्जत के साथ खेलकर उसे यूज करके फेंका नहीं मैंने। आहिल, मैं शॉक में जरूर आया हूँ, मगर इस वजह से नहीं। क्या वजह है? मैं जानती हूँ, यही वजह है ना कि आप अपनी अम्मी को क्या बताएंगे कि एक हिंदू लड़की आपके घर में रह रही है? कैसे बताएंगे आप? ठीक है, मुझे होटल में छोड़ दें फिर। पायल, मेरे लिए तुम पहले सिर्फ एक इंसान हो, उसके बाद तुम जो कुछ भी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। गर्ज है, वो ब्रेक नहीं थी, रिजेक्शन थी। शौक नहीं, एटीट्यूड था आपका। हेल, गलत कह रही हो। एहसास झूठ नहीं बोलते। मैं हिंदू हूँ, मैंने आपके घर को नापाक कर दिया। पायल, प्लीज स्टॉप इट। तनी किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और यहाँ ड्रॉप तो हर किसी नहीं कर सकता, सो प्लीज। ठीक है, तो मैं आंटी को खुद बता दूंगी कि मैं हिंदू हूँ। I think this will help my accent. वग वग अंदर इश्क समंदर तन तालू सब डूबे दिल दा बोलो। हेलो, ये भाई कहाँ है आप यार? वो मैं क्यों, खैरियत? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मम्मी को? मुझे लगता है उनका ब्लड प्रेशर हाई है, अभी चकरा के गिर गई थी। गिर गई मम्मी? आप हैं कहाँ, कब आ रहे हैं, जल्दी आए। मैं एक जगह फंसा हूँ, तुम एक काम करो, एम्बुलेंस कॉल करो और अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं वहीं पहुँचूँ। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अकेले कैसे जाऊँगी, जल्दी आए। मैं कुछ करता हूँ ना, मैं पहुँच जाता हूँ, तुम एम्बुलेंस को कॉल तो करो। ओके। यार एक इमरजेंसी हो गई है, तो मेरे घर जा सकता है? एक्चुअली अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं कहीं फंसा हूँ, मैं बता नहीं सकता, मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगा, तो प्लीज़ घर जाके अम्मी को ले जा यार, प्लीज़ जल्दी। थैंक यू। हाँ नीरज, बोलो। अरे भाई आप आ रहे हैं ना? हाँ, मैं हॉस्पिटल पहुँचाऊँगा, अभी इरफान को मैंने कॉल किया, वो अम्मी को हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा, वो आ रहा है। अरे भाई जल्दी आए, मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। प्लीज खुद भी मत डराओ और मुझे भी मत डराओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम अम्मी को हॉस्पिटल लेकर पहुँचो, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ।
यार आप मशवरे दे रहे, खुद पहुंचे ना जल्दी। मैं पहुंच रहा हूँ यार, मैं कुछ मैं पहुंच रहा हूँ, बस तुम परेशान ना हो, तुम हिम्मत करो। रहने दो निदा, रहने दो, मुझे मसरूफियत मिल गई है, वो ज्यादा जरूरी है, छोड़ दो। छोड़ो उसे, है मेरा सर दर्द से भटक जा रहा है। यार अगर तूने मुझसे दोबारा सवाल पूछा ना तो मैं अपना फोन तोड़ दूंगा। यार क्या मतलब है यार, आंटी इमरजेंसी में, तुझे पता है तू गायब है, सब तुझे कैसे बताऊं मैं कहां हूं। तो ये मसले जैसे किसी जानवर का पांव शिकारी के शिकंजे में फंसा हुआ है। तू पायल के साथ है? हाँ, लेकिन ऐसी जगह हूं कि मैं तुझे बाद में बताऊंगा यार। खैरियत तो है ना? इस वक्त इस लफ्ज का ना कोई मतलब है ना ही कोई जरूरत। तो ये बता अम्मी कैसे हैं यार? ट्रीटमेंट शुरू हो गया, स्टेबल हो जाएंगी, लेकिन तुझसे नाराज हैं बहुत। जानता हूँ बहुत नाराज होंगी। बुरा ना मनाई अली, लेकिन इस वक्त तेरे लिए तेरी माँ से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ना। तो रिश्तों के मामले में तुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं, और जो शख्स इस रिश्ते में झूठ बोल लेता है ना, वो किसी से भी झूठ बोल लेता है। तू है कहाँ, स्कूल में है? मैं आके बताऊंगा मैं कहाँ हूँ। इरफान प्लीज मेरी अम्मी का ख्याल रखना, उनके पास रहना यार। मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जितना जल्दी उसका मैं पहुंच रहा हूँ। थैंक यू इरफान। क्या हुआ? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इमरजेंसी में। क्या? मुझे कुछ और बात भी करना थी। कहे पायल, मैं थोड़ा एब्नॉर्मल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ।